खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। जिला राइफल क्लब द्वारा शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जिले के चांदमारी ग्राउंड पर रेलवे लाइन के पास शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला राइफल क्लब के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। प्रतियोगिता में 14 से ऊपर आयु वाले लोग एयरगन प्रतियोगिता में भाग ले सके। .22 राइफल वयस्कों हेतु निशानेबाज व रिवाल्वर पिस्टल से निशानेबाजी की गई। बैलून प्रतियोगिता महिला व पुरुष भी कराई गई। इस मौके पर ADM संजय कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार, राइफल क्लब के सदस्य खालिद गोरी सहित बड़ी संख्या में निशानेबाज भी मौजूद रहे। चांदमारी ग्राउंड पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर शूटिंग कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुल मिलाकर 6 तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्लेप एंड ट्रैप शूटिंग है उसमें कुल अभी तक 21 प्रतिभागियों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया था और यहाँ पर शूटिंग चल रही है। और इसके अलावा बैलून शूटिंग और एयर पिस्टल, एयर राइफल और .22 जो राइफल्स है उनकी यहाँ पर शूटिंग आयोजित की जाएगी। सर, किस तरीके के प्रतिभागी आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर जनपद हरदोई के अलावा अन्य जनपद से भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो जिनके पास लाइसेंस ही है उनके लिए जो लाइसेंस पिस्टल और रिवॉल्वर अलाउ है वो किया जा रहा है और कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर एयरगन वगैरह की शूटिंग कर रहे हैं। कितने राउंड फायर कराई जा रही है सर यहाँ पर? ये अलग अलग प्रतियोगिता के हिसाब से है, कुल मिला के 10 राउंड दिए गए हैं और ये जो 5 इनको क्ले पिजन दिया जा रहा है, अगर वो 5ों बुलेट में उनको तोड़ देते हैं तो उनको दूसरे की राउंड फायर करने की आवश्यकता नहीं। ये पिछले 2-1 साल से अपने ज़िले में शूटिंग कंपटीशन किसी वजहों से हो नहीं पाया था। इस वजह से इस साल जो हो रहा है उसमें सिर्फ अपने ज़िले के शूटर्स जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें और ज़िलों के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि आज हमारे ज़िले में अपनी टीम बन जाएगी। जब टीम नहीं है तो हम दूसरे ज़िलों को बुला के मुकाबला कैसे करते, इसलिए आज पहला मुकाबला हो रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ। हमारे राइफल क्लब में मशीन नहीं थी ये क्ले पिजन ट्रैप खेलने वाली, वो मशीन भी आ गई है, खरीद ली गई है राइफल क्लब के ज़रिए और राइफलें और बंदूकें जो कुछ ज़रूरत थी सब खरीद ली गई हैं। आज हमारा राइफल क्लब पूरा इक्विप्ड हो गया है अपना कंपटीशन कराने के लिए। UP के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।